वह अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांडों की संपत्ति का स्वामी बन गया। क्यों बन गया? इसका कारण है, भगवान को उसने खरीद लिया। जिस प्रकार मीरा जी कहती हैं, लियो जी मैं तो लियो गोविंद मोल, इसी प्रकार से जो प्रायः हरि नाम पर ही अपना जीवन चलाता है, गोविंद उसका बन जाता है। उसको छोड़कर भगवान कहीं नहीं जाते। संपूर्ण सृष्टियों को रचने वाले भगवान ही हैं। भगवान के बिना सृष्टि में कुछ भी नहीं है। हरि नाम जापक को इसी जन्म में अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसके संसार के सभी काम सुलभ हो गए। जो अनंत कोटि जन्मों से भगवान की गोद से बिछुड़कर भटक रहा था, अब उनकी गोद में जा बैठा। उसने तो अपनी 21 पीढ़ियों को अपने साथ ले जाकर उनका उद्धार कर दिया, जैसा कि भगवान का वचन है। सतयुग में हजारों साल भगवान का ध्यान करने से, त्रेता युग में बहुत सा धन लगाकर यज्ञ करने से, द्वापर युग में बड़ी श्रद्धा से पूजा करने से भगवान दर्शन देते थे। वह कलयुग में कमरे में पंखा हीटर लगाकर शांत चित्त से बैठकर हरि नाम जप करने से हो सकता है। कहीं जंगल में जाने की, धूप सर्दी बरसात भूख प्यास सहन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मानव कितना दुर्भाग्य है, मानव का कितना दुर्भाग्य है, इतनी सुविधाएं होने पर भी हरि नाम जप नहीं करता। इसका दंड भविष्य में भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में जन्म लेकर असीम दुख भोगना पड़ेगा। कलयुग में करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक ही भगवान को चाहता है। हर कोई धन वैभव नौकरी पुत्र आदि चाहता है, कोई भगवान को नहीं चाहता। कलयुग में भगवान के ग्राहक नहीं है। ग्राहकों के बिना भगवान का मन लगता नहीं। भक्तों से ही भगवान का संसार बनता है। अतः भगवान को भक्तों की बहुत आवश्यकता रहती है। यदि कोई थोड़ा सा भी साधन भजन कर लेता है तो भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि भक्त प्रहलाद अपने सहपाठियों से कह रहे हैं कि भगवान को पाना कठिन नहीं है। जासु नाम जप एक ही बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। ये भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि कोई साधक एक माला भी कर लेता है तो भगवान उसे अपना लेते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।